थी। मेरा खुद का दर्द तेजाब मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, अच्छा ठीक हो गई। अच्छा लड़के के भी सिर में दर्द था, सारे मतलब जो भी दिक्कत है नहीं वो ठीक हो गए, सारी ठीक हो गई। हाँ हाँ लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत रायला मागी राम राम नमस्ते जय हिंद भाण और भाइयों। फिलहाल खड़े हम सनी शक्ति धाम शीशवाड़ में और आज मंगलवार का दिन है, पूछा देखी जा रही है, काफ़ी लोग बाग आए हुए हैं। देखिए इधर दिखाए एक बार नीचे करके कैमरा, काफ़ी भक्तजन आए हैं और यहाँ पर मंगलवार और एक दिन और कर दिया है वीरवार, दो दिन पूछा देखी जाती है, झाड़ा तीन दिन लगा आ जाता है वैसे शनिवार को, शनिवार वीरवार और मंगलवार, वीरवार बृहस्पतिवार गुरुवार भी बोलते हैं जिसको, गुरुवार को भी। तो मैं आप लोगों की बातें करवाऊंगा, कुछ नए आए हैं कुछ पुराने आए हैं जी। आसे हैं एमपी राजगढ़, एमपी राजगढ़ से। अच्छा पिछली बार भी बात करी थी आपसे, तो कुछ हुआ फ़ायदा कुछ ऐसे जैसे मन में कोई हुआ सर? अब आज दूसरी बार आए हैं, दूसरी बार आए जी, काफ़ी फ़ायदा है, काफ़ी फायदा है जी। लगता है आपका संकट कट जाए? बिल्कुल 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 है? बिल्कुल लगता है, अच्छा लगे दाम बहुत अच्छा सर, बिल्कुल सही जी जी सर। तो आज दूसरी बार आए हैं? दूसरी बार आए, पहली बार पिछली बार मिले थे मेरे को, पहली बार में बहुत आराम हुआ, आराम हुआ, दूसरी बार आज लगवाया झाड़ा, अब पूर्णिमा को आएंगे। अच्छा और भी हैं आपके साथ कोई? नहीं हम दोनों आए अभी, वो तो वही पहले रहेगा दिल्ली। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो आइए भाई बातें करवा देता हूँ मैं आप लोगों की। और अकबरपुर से? हाँ जी बहु अकबरपुर से, बहु अकबरपुर से, अच्छा रोहतक के पास से। तो बहु अकबरपुर से कितनी बार आ चुके हैं आप? एक साल हो गया मैं आते हुए। एक साल हो गया? हाँ। क्यों क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है, क्या संकट है? ये लड़की की आवाज़ में फर्क था, अच्छा। उसमें बहुत आराम हुआ पहले से, आराम हो गया। लड़की कहाँ है? वो नहीं आई, वो नहीं आई। आप आते हो? नहीं उसको लेके आते हैं, मंगलवार के दिन नहीं लेके आई। अच्छा काफी आराम है उनको? हाँ शनिवार वह पुनवासी को लेके आते। अच्छा शनिवार और पूर्णिमा को उनको लेके आते हैं। हाँ तो लगभग कितना परसेंट, 75% 80% कितना आराम हो गया? 80% आराम हो गया। अच्छा थोड़ा ही बच गया आप तो ठीक हो जाएंगे। हाँ हो जाएगा, आवाज बिल्कुल तोतली बोलती थी क्या? हाँ हाँ। अच्छा और हम 8-10 जने आते हैं हमारे गांव में से, आज और कोई आया नहीं। अच्छा अच्छा ठीक, और हमें ये आने से बहुत फायदा है पहले से। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। आप पहली बार आए? आप जी कहाँ से हैं? व्याणी था। पहली बार आई है? एक बार आई थी, गोड्डे में झड़ा लुआ था, गोड्डे का झड़ा लुआ था, फर्क फिर फर्क होया? फर्क से। कितना फर्क लगा, ठीक हो गए कि गोड्डे? ना अच्छा फर्क से। अच्छा फर्क से। अच्छा अच्छा आज दूसरा झड़ा है? हाँ चलो आज हो जाएगी ठीक दाऊ सी फिर तो। हाँ इतना अच्छा फर्क से थी, आज वाला दूसरा झड़ा में हो जाएगी ठीक ठाक। आप पहली बार आए हैं? ठीक है। आप जी कहाँ से हैं? सार से हैं जी। सार से? हाँ जी। आप कैसे आए यहाँ के काम? बच्चों की पढ़ाई ठीक चले जाओ, शरीर स्वस्थ रह जाओ। अच्छा अच्छा हाँ जी। तो कितनी बार आ चुके यहाँ? अब दूसरी तीसरी बार है। तो कुछ घर में महसूस हुआ ऐसा यहाँ आने से, कोई मतलब जैसे फायदा है या कोई? हाँ सब अच्छा है, सब फायदा, सब सही हो रहा है। हाँ जी। तो मंगलवार को पूछा वगैरह दिखाई थी क्या? नहीं पूछा पाछा तो ऐसे नहीं दिखाई, आज भी वैसे आई है। हाँ जी कई दिन हो गए थे बस। अच्छा तो मुखाया वहाँ धाम पे दर्शन करे वहाँ। सही बात है। हाँ। बहुत अच्छा। कहते नंबर आ गया। अच्छा कहाँ से? हिसार से। अच्छा पहली बार आए हो? नहीं तीसरी बार। की समस्या? मेरे शरीर में दर्द है और गुड़िया की जॉब के लिए आती हूँ। अच्छा आपके शरीर के दर्द में फर्क पड़ा झाड़ा कुछ? हाँ जी। अच्छा हाँ जी सही कहा है, बंद देखी कहा? ना 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 रुपये में 20 पैसे फर्क पड़ा अभी तो। अच्छा सही आ रहा फिर तो हो जाएगा। आप कहाँ से हैं जी? शीशवाड़ से जी। आपके एक बरा लिए कई साल हो गया जी। अच्छा आप तो परमानेंट से उर आ जाओ गांव हतारा तो माथा टेकन आ जाए बाबा के। अच्छा अच्छा खुश हुई तो उर कोई मनोकामनाएं मांगी थी कि वैसे खुशी आओ? ना पहले तकलीफ ही घर में, बाद में आने लगे। तकलीफ थी घर में? और तकलीफ ठीक होगी? हाँ बाबा ने बता दी थी कि तकलीफ की? हाँ अच्छा ठीक है बिल्कुल, वो तो पता भी लग जाए अपना शरीर ने भी। अब ठीक होगी? ठीक है शुक्रिया शुक्रिया। आप जी कहाँ से? अच्छा आप कितने बार आ ली? हम तो जब मंदिर स्टार्ट होया तब से आ रही है। स्टार्ट होया जितने मंदिर बनवाए था मिदा है? हाँ बनाना मिस्त्री यही है। यही देखे? हाँ। अच्छा 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो उरे जब से आन लग रहे हो खुशी आओ हो, कोई समस्या भी हल हुई है आपकी? खुशी से ही आते हैं और जो कोई समस्या आती है तो
वहाँ माथा टेक के जाती है तो वो सर हो जाती है, पूरी हो जाए। हाँ सही कब है? सही कब? अच्छा तभी तो आ रहे हैं इतने साल से। तो फिर नहीं आओ तो फिर गड़बड़ हो जाए? नहीं भी आते हैं, हमारी खुशी भी है और जो हमारा जो मनोकामनाएं है वो पूरी होती है। अच्छा, अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। आप कहाँ से जी? डब्बी क्लास से। डब्बी? आप पहली बार आए हो? ना दूसरी तीसरी बार आई। तीसरी बार? हाँ। तो के बुच्छा पच्छा कराना आए थे? हाँ बस नहीं घर आई। बताई के बाबा ने? ना पुग्गी कौन बाप बताई, पुग्गी को नहीं पूरे ऐसे आ जा माथा टेक ले है। और अच्छा तो उरान तक की में सुख शांति हुई? हाँ सुख शांति है। वही है? हाँ। अच्छा चलो। तहसील मालिया गांव से। अच्छा। राजस्थान? राजस्थान से। हाँ जी। क्या समस्या लेके आए? घुटनों में दर्द है। इस गुड़िया के ढकनी उतर जाए? अच्छा कितनी साल तो है समस्या भाई? 12-13 साल से। 12-13 साल से? अच्छा डॉक्टरों ने दिखाई थी? दिखाई। डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टरों ने कहा कि वैसे ऑपरेशन होगा वो सक्सेस नहीं होगा। हाँ यानी ऑपरेशन होगा लेकिन सक्सेस नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है पता नहीं है। अच्छा कितनी साल की उम्र होगी गुड़िया की? इसकी उम्र हो गई 20-22 साल की। 20-22 साल तो ये तो कब से करीब 10-15 साल से आपको तो चलने में दिक्कत आती है कि टेढ़े हैं क्या? नहीं आती है अपने आप उतर जाए ढुकनी है। देखिए बिल्कुल कमजोर सी हो रही है भाई। हाँ बिल्कुल पतली हो रही है टांगे। हाँ टांगे पतली हो चुकी है। पतली पतली। अच्छा तो यहाँ पर कौन सा झाड़ा है आज का आपका? तीसरा चौथा? चौथा पाँचवा झाड़ा है। अच्छा तो क्यों फर्क पड़ा गुड़िया झाड़े से? थोड़ा से मतलब यूं मतलब कम उतरा है ढकनी या दर्द कम हो? हाँ हाँ थोड़ा है फिर। दर्द कम होता है अब? धीरे धीरे हो जाएगा सारा। अच्छा फर्क एकदम तो नहीं होगा। हाँ भाई देखो इतनी साल से यार ये तो समस्या बहुत मोटी समस्या है फिर भी इतना फर्क है तो बहुत ज्यादा फर्क है। लगता है ना फर्क? फर्क तो लगता। पापा है क्या आपके? कहते पापा कहने तो कह दियो तेरे फर्क नहीं हुआ हो सच्ची हो है? हाँ तो ठीक हो जाएगा बेटा बहुत अच्छी बात। बाबा के दरबार में लगाओ अर्जी ठीक हो जाएंगे आप भी। चलो तो ये एक और बहन जी बैठी है हमारे पास इनसे और बातें करते हैं। नमस्कार जी। कहाँ से हैं? हम डोबी जी। हरिया डोबी से। तो यहाँ पर किस लिए आ रहे हैं आप? क्या समस्या है? सारी समस्या हल हुआ जी। सारी समस्या हल? घर की जितनी समस्या सारी हल हुआ। अच्छा हुई है मारी होली? क्या समस्या थी? मेरा खुद का दर्द तेजाब मतलब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। अच्छा ठीक हुई? लड़के के भी सिर में दर्द था सारे मतलब जो भी दिक्कत है नहीं वो ठीक हो गए। सारी ठीक हो गई? हमने 6 महीने हुए। हाँ शुरू में ठीक होने लगी थी? शुरू में ठीक होने लगी थी। पहली बार में दूसरी बार? तो आप बिल्कुल ठीक है? ठीक। तो देखिए ये जो बंधे हुए हैं ये अर्जियां बंधी हुई सारी ये नारियल हैं ये देखिए चारों तरफ बंधे हुए हैं। ये पूर्णिमा को विशेष अर्जी लगती है। अब जो पूर्णिमा आएगी 26 तारीख की मंगलवार की पूर्णिमा है उस दिन विशेष अर्जी लगती है। आपको कोई भी समस्या है किसी तरह की मनोकामना आपको नौकरी नहीं मिलती हो घर में संकट है किसी प्रकार का पेपर नहीं हो रहा हो और कुछ नहीं हो रहा हो जो भी समस्या है हर मनोकामना के लिए यहाँ पर नारियल बांधा जाता है। और वो नारियल 3 शनिवार और 1 पूर्णिमा 4 बार आना पड़ता है फिर खोल देते हैं लोग अपने आप उनकी मनोकामना पूर्ण होते हैं अपने आप खोल के नीचे जो भोले बाबा भंडारी का जो धुना है वहाँ पर आहुति देते हैं इनकी वो अपने आप खोल के जाते हैं जिन जो बांध के जाता है वो अपना नारियल खोल के भी जाता है। तो इस तरीके यहाँ खुलते रहते हैं और बंधते रहते हैं। देखिए भाई गुरु जी बैठे हैं और भी मैं दिखाऊंगा पूछा जो है ये देखिए एक तो यहाँ पर जनता के बीच में नहीं बताई जाती कोई बातें शीशे का रूम है ये बिल्कुल बाहर से बैठे देखते हैं और अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाती। तो यहाँ पर जो भी पूछना होता है आप पहली बात तो ये मेरे को ये अच्छा सिस्टम लगा यहाँ पर कि गुरुजी एकांत में बैठते हैं सबके बीच में बैठे होते भी नहीं मतलब आवाज़ सुनती क्योंकि शीशे का केबिन बनाया है। तो यहाँ पर आराम से पूछ सकते हो आप कोई भी बातें हैं अपनी घरेलू बात जो जनता के बीच में नहीं पूछ सकते हम तो यहाँ पर शांति से पूछ सकते हो। एक तो ये बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात यह है कि गुरुजी स्वयं कहते हैं कि और पूछो और कुछ रह गया और कुछ रह गया पूरा समय देते हैं समय पूरा देते हैं ये खास बातें होती हैं कुछ। दूसरी बात पूरी अच्छी तरह समझाते हैं कि ये काम इसका ये करोगे ये उपाय करोगे तो ऐसा हो जाएगा वो अच्छी तरह समझाते हैं। एक बार समझो दो बार समझो यहाँ कोई जल्दबाजी किसी तरह की नहीं है
और पढ़े लिखे विद्वान और भाई एक के मतलब यूँ समझो साधक हैं पुराने और साधना में लिप्त रहते हैं, लीन रहते हैं अपने। तो महाराज जी क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे? अब एक तो पूर्णमासी नज़दीक है, पूर्णिमा कितने तारीख की है? देखिए 26/12/2023 वार मंगलवार की पूर्णिमा है। यहाँ पर शनि धाम में 3 झाड़े और 1 अरदास अर्जी का नियम है। हर पूर्णिमा को एक विशेष अर्जी अरदास लगती है। अर्जी 3 बार लगाई जाती है, सुबह 9 बजे, 11 बजे और 1 बजे। हर पूर्णिमा को विशेष सिद्ध किए हुए ताबीज दिए जाते हैं, निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। किसी भी कार्य की सफलता चाहते हैं, आप भारी बीमारी को दूर करना चाहते हैं, इंटरव्यू वगैरह में सफलता चाहते हैं, पढ़ाई में सफलता चाहते हैं, या किसी के भी क्रय क्राय के असर को दूर करना चाहते हैं, तो उसके निमित्त हर पूर्णिमा को विशेष सिद्ध किए हुए ताबीज दिए जाते हैं। हर पूर्णिमा को दिए जाते हैं। 26 की पूर्णिमा है तो मेरे भक्तों से यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, ताबीज ले जाइए और आपके काम सिद्ध करवाइए। धन्यवाद। 3 दिन दरबार लगता है, शनिवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार को, यानी कि गुरुवार को। शनिवार, वीरवार, शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को 3 दिन झाड़े भी लगते हैं, लेकिन जो बुज्जा की प्रक्रिया है यानी कि जिसको पूछा कहते हैं, वो 2 दिन की जाती है, मंगलवार को और गुरुवार को। मंगलवार को सुबह 9 से 3, गुरुवार 9 से 3। किसी को गर्भित के बारे में पूछना हो, किसी प्रकार की कोई संकट हो, नौकरी नहीं मिल रही हो, विवाह में अड़चन आती हो, कोई करे कराए का असर हो या कोई भी तांत्रिक क्रिया कर दी गई है उसको तोड़ने के लिए, यहाँ पर मंगलवार और बृहस्पतिवार को उपाय बचाए जाते हैं। इस विधि से आपका कार्य होगा। तो पुच्छा का प्रोग्राम है वो मंगल और बृहस्पति का है। झाड़े 3 दिन लगते हैं, शनिवार, मंगलवार और गुरुवार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए मैं तिलक जी से कहूँगा कि एक बार दर्शन करवा दीजिए शनिदेव महाराज के, सभी मेरे जो दर्शक हैं उनको इधर से करवाइए। पूरी प्रतिमा ये शनिदेव महाराज के चरणों में बैठे हैं फिलहाल, हम पूरी पीछे होके दिखा दे पूरी प्रतिमा। ये देखिए शनिदेव महाराज के दर्शन आप आज के कर लीजिए। एक साइड में गणेश जी महाराज हैं, इधर बालाजी महाराज हैं और चरणों में बैठे हैं भगवान के। तो आइए, रहने की अच्छी व्यवस्था है। दूर से आने वाले यात्री, जो दूसरे प्रदेशों से यात्री आते हैं, वो रात को रुक सकते हैं। एक रात रुक के अपना भोजन पानी की कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं लिया जाता है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है, न रहने का, न खाने का, न पीने का। सब कुछ बाबा की कृपा से चल रहा है। आप लोगों की जो दानवीर हैं उन लोगों की दया दृष्टि से चल रहा है। तो इसलिए कोई भी समस्या है, किसी प्रकार की आपको तकलीफ है, तो नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं, आप महंत जी, जगदीप जी से संपर्क कर सकते हैं। शनिवार, गुरुवार और मंगलवार को आप यहाँ आ भी सकते हैं। तो देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।